गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज है 20 मई 2024 और मैं अपनी दुकान में हूँ, नालंदा डेली नीड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आज आप लोगों को मौसम बताऊँ सांगला वैली का। तो ये देखिए, रिम झिम बारिश लग गई है और बहुत अच्छी हो गई है हमारी फसलों के लिए, खासकर मटर की फसल के लिए बहुत अच्छी ये बारिश हो गई है। और मटर में पानी लगाने की अब जरूरत नहीं रहेगी, नहीं तो मटर में पानी लगाने से मटर खराब हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि भाई बारिश कर ही देता हूँ मैं टाइम से, और हो गई है बारिश, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर इतनी भी बहुत है हमारे लिए। और आप लोग देख सकते हैं पूरे रोड में गीला ही गीला है और मिट्टी पूरी बैठ गई है, धूल मिट्टी। और धूल मिट्टी भी आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा उड़ती है। और इसके साथ साथ आप लोगों को दिखा देती हूँ, रुक गई बस, ये क्यों रुकी ना, खराब ही तो नहीं है, बोर्ड ही नहीं है इसमें कोई। तो फ्रेंड्स, आज बारिश लगी है हमारी सांगला वैली में और आप लोग देख सकते हैं आज नालंदा डेली नीड्स में सांगला टू दिल्ली बस पार्किंग होते हुए मैं तो वीडियो बना रही हूँ कि आगे जा रही है बस, यहाँ तो सब लोग यहीं पे रुक गए आज। क्या हो गया, खराब होगी बस? अच्छा। तो फ्रेंड्स, आज वही सांगला टू दिल्ली बस HRTC मेरी दुकान में आ गए हैं कुरकुरे खाने के लिए। और बारिश शुरू हो गई है और आज गर्मी से राहत मिल गई है, 15 डिग्री टेम्परेचर जो था हमारी सांगला वैली में तो उससे राहत मिल चुकी है। और थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को किन्नर कैलाश का, जितने को हमारे HRTC के ड्राइवर उस्ताद जी उतरते हैं नीचे कुरकुरे लेने के लिए। तो ये देखिए सामने किन्नर कैलाश की वादियाँ धुआंधार, अभी दर्शन नहीं होंगे पर बारिश बहुत अच्छी हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बोर्ड का है आपकी बस का? दिख नहीं रहा बोर्ड, सांगला टू दिल्ली बस का बोर्ड नहीं दिख रहा है जी। वाओ, अब दिखा भाई, अब दिखा। तो ये है सांगला टू दिल्ली, रक्षम शिमला दिल्ली, पर सांगला टू दिल्ली। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ। तो आज मैं कुरकुरे अपने हाथ से दे दूंगी चालक जी को। कौन से कुरकुरे खाएंगे आप? कोई भी, ठीक है। तो जी, कुरकुरे लेके चल पड़ी है बस हमारी सांगला वैली के रक्षम गांव की ओर। और किन्नर कैलाश की वादियों से होते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, वाओ।